क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ अभी। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं तो दिल्ली पढ़ता हूँ, अभी आया हूँ छुट्टियों में, गाँव में, गाँव में कोरोना के वायरस के चलते वो आया हूँ गाँव में। जो ये अंडर ब्रिज जिस पास बनी हुई है, देख रहे हैं काफ़ी पानी भरी हुई है, यही कोपागंज, शेखपुर और लड़मपुर जाने के लिए, अकटबनिया जाने के लिए मुख्य मार्ग है। कैसे आप लोग आते जाते हैं? अब आने जाने का तो रास्ता ही बंद हो गया, मेन रास्ता हम लोग का यही है। अब हम लोग आते जाते हैं, देखिए वो बच्चे देख रहे हैं ना, आप ऐसे जाएंगे, ऐसे ही देखिए रास्ता, ऐसे ही क्रॉस करेंगे, ऐसे ही लोग बाइक, मान लीजिए अब देखिए जैसे ये लोग बाइक है, यहाँ पे बाइक कुछ लोग खड़ी कर देंगे, फिर पैदल जाएंगे, जितने मान लीजिए इधर जाना है पैदल जाएंगे, फिर उधर से भी ऐसे ही पैदल आएंगे। क्या ट्रक वो लोग पार करते हैं, उन्हें उन्हें डर नहीं लगता है क्या? डर तो सबको लगता है, डर क्यों नहीं लगता, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, डर क्यों नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, जाना ही है। अब मान लीजिए अब आप ही को कोई खाना है, कोई सामान लाना है बाजार से, तो जाना ही पड़ेगा इधर उधर। मान लीजिए हम लोग उन उधर वालों के लिए इधर जाना पड़ेगा, इधर वालों के लिए उधर जाना पड़ेगा। क्या जब बरसात में पानी लग जाती है तो क्या आप लोग रेलवे अधिकारी को जानकारी देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे देखिए यहाँ पे ठेकेदार साहब ने लगा रखा है नंबर 3-3, कितनी बार नोटिस उन लोगों के लिए गई हुई है कि आप इसको देख लीजिए देख लीजिए। वो लोग कहते हैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई आता ही नहीं है देखने यहाँ पे। अब इतने दिन से भरा पड़ा है, कोई नहीं आता है अभी देखने। अभी यहाँ पे कोई हादसा, खुदा न खासा हादसा हो जाए तो अभी सब लोग आएंगे, कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। अरे जो है स्थिति उसको तो पहले ठीक करिए आप, ये ही नहीं ठीक कर रहे हैं आप। अभी कुछ हो गया तो आप क्या कर लोगे, किसी का जान चला गया तो जान तो वापस आएगा नहीं ना। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ एक भाई साहब खड़े हैं, इनका बताना ये है कि जब से पानी यहाँ लगी हुई है अंडर ब्रिज पास पर, तब से यहाँ कोई अधिकारी न देखने आया नहीं झांकने आया अब तक। इंदारा रेलवे स्टेशन के मज 500 मीटर दूरी कटबनिया फाटक पे जहाँ अंडर ब्रिज पास बनी हुई है, जिससे ये अंडर ब्रिज पास कई गांवों को जोड़ने काम करता है, जैसे कोपागंज कटबनिया शेखपुर को, यही मुख्य मार्ग है जो कोपागंज शेखपुर के लिए जाता है। आइए हम कैमरा में से दिखाते हैं कि कैसे लबालब पानी भरी हुई है। हमें तो लगता है कि इस अंडर पास जो ब्रिज बनी हुई है, जिसमें इंजीनियर इस अंडर पास ब्रिज बनाने में फेल हो गए हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो अगर रात बिरात कटबनिया के लोगों को अगर कोई अगर अचानक बीमार पड़ता है तो यही मुख्य मार्ग है जिससे कोपागंज डांडी के लिए जाता है। आइए हम यहाँ एक चाचा खड़े हुए, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि चाचा आप कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? सरवण कुमार। कहाँ जा रहे थे आप? कोपागंज। अच्छा, यही मुख्य मार्ग है जाने का? हाँ यही है। अच्छा अच्छा, तो कैसे आप जाएंगे, इसमें तो पानी लगी हुई है। हाँ अभी पार हो जाएंगे। क्या डर नहीं लगता अभी, मान लीजिए भाई देखो कोई ट्रेन आ गया तो? हाँ ट्रेन आ गया तो खतरा तो है। तो ये अंडर जो ब्रिज पास बनी हुई है, ये ऐसा किस लिए बना हुआ है? बना है कि पार होने के लिए। हाँ लेकिन पार हो नहीं, इसमें तो पानी लगा हुआ है। हाँ। कैसे पार होंगे तब? तब कहाँ, इतना रास्ता बंद है। बंद है? हाँ। कब से बंद है? जब से बरसात चालू है। समस्या नहीं होता है? समस्या तो है ही है। तो कभी आप लोगों ने जानकारी दिया किसी से, किसी अधिकारी से? अब पानी होनी कभी काल लोग उधर देते हैं। आप ही उधर देते हैं? नहीं, वो कभी काल नंबर दिया गया, लिखे हैं लोग जलगुंगा वाले। मैं कैमरा में से दिखाना चाहता हूँ कि जो अधिकारी हैं इंजीनियर साहब, वो अपना नंबर शायद यहाँ लिखे हुए हैं कि अगर बरसात में अंडर ब्रिज पास पे अगर पानी भर जाता है तो हमसे संपर्क करें। यहाँ दादा जी उपस्थित, आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। दादा शुभ नाम का आपका? अच्छा, पानी कब से लगला और कब पानी लग जाला? जब बरसात में पानी लग जाए। हाँ बरसात थोड़ा ही पानी लग जाए। हाँ ओके, बाद थोड़ा मोड़ा पानी दे जाता है लोग। हाँ और नहीं ज़्यादा तो घट जाता है लोग। आदमी ऊपर गए, रेलवे से कोई गाड़ी आ गया, काट गया, किसी ने कट गया, किसी घायल हो गया, इसमें कोई गिरेगा मर जाएगा तो ये खतरे की घंटी है। अगर मान लीजिए रात में अगर बाई दफ़ा किसी की तबीयत खराब हो जाती है, आप लोग कैसे जाएंगे? मुख्य मार्ग आप लोगों के लिए यही है कोपागंज जाने के लिए, शेखपुर जाने के लिए। ऐसा है कि जब रात को बारिश आएगी भर जाएगी तो यहाँ जो है आदमी जब नहीं कोई गाड़ी घोड़ा मिलेगा, अगर गाड़ी घोड़ा मिलता भी है तो जगह नहीं जाने की यही है, इसे निकलेंगे और नहीं तो लास्ट में मर जाएंगे और क्या करेंगे। कहाँ घर है आपके दादा? बारा। बारा घर है? हाँ बारा के निवासी है। यहाँ एक भाई साहब मौजूद, आइए हम इनसे जानकारी ले लेते हैं, यही के निवासी है, कि अगर इन्हें कोपागंज अगर जाना पड़े और कोपागंज जाने का यही मुख्य मार्ग, इनसे हम बात करते हैं कि ये कैसे जाएंगे, यही मुख्य मार्ग है। शुभ नाम क्या भैया? विकास।